एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय माँ झंडा वाली माँ, बोले झंडा वाली माता की जय हो, माता की जय हो। अरे अब तो कुछ लोग ही हो ना, अब तो हाथ उठा ही सकते हो। और क्या, अब बोले झंडा वाली माता की जय। ये कोई बात हुई, आप सभी लोग भैया श्री औदे सजल जी को और बड़ी बहन पद्मा शर्मा जी को आप सभी लोग सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा था। बिल्कुल, जैसा कि आदेश हुआ मेरे लिए भी, मैं भी कुछ प्रयास कर रही हूँ। रात्रि भर में सब कुछ तो आप लोगों ने सुन ही डाला, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ। कहते हैं जिंदगी की असली उड़ाने अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, सारा का सारा आसमान अभी बाकी है। आइए सुनेगा, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा क्या, राम अवध में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। पैदा होते ही, पैदा हो
होते ही क्या हाँ। सुनिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। अपने आप समझो। सिंगारी बालक सृजन एक 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपको आशीर्वाद की कामना करती हूँ। माता रानी सदैव आपका कल्याण करें। आइए सुनेगा वो माँ क्या क्या करती है। सृजन करे पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी कमेटी के भैया जन लोगों को। आशीर्वाद की कामना करती हूँ। माता रानी सदैव आपका कल्याण करें। बिल्कुल सुनेगा सृजन करे अपना दूध पिला के हमको पालती है। सृजन करे माँ ये तन देकर पाले दूध पिलाकर सिंघारे जो दोष हमारे संघा ब्रह्मा की तरह, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है और पालती है विष्णु की तरह, क्योंकि पालन पोषण के देव विष्णु हैं। सिंगारे हमारे दोषों को श्रृंगार देती है बाबा भोलेनाथ की तरह। तीनों देवता उस माँ में समाए तो माँ को तो सलामी देनी पड़ती है। देनी पड़ती क्या है? अरे हम सब लोग भी घर से निकलने से पहले उठने से पहले माँ के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। वैसे हम तो अपनी माँ का अपनी मम्मा का चेहरा देखे बिना उठते ही नहीं है। अच्छा आइए सुनेगा माँ के बाद कौन आता है।
कौन आता है? देखिएगा इसमें भी तीनों देवता विराजमान हैं। कैसे? कैसे? सुप्रदान ने सृजन करे पितु और खिलाए कमाकर पितु शरण धारे पालक शरण हमारी रक्षा करती है। जिस प्रकार से उसमें तीनों देवता विराजमान हैं, वैसे ही पिता का भी सहयोग के बिना हम लोग आ ही नहीं सकते इस दुनिया में। बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो वो भी हमारी रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह करते हैं, तो क्यों ना हम अपने पिता की शरण में रहें। बिल्कुल आइएगा सुनेगा अगली बात। शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे सुनेगा। शिक्षा दीक्षा की भिक्षा दे मानवता सिखलाते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा दीक्षा की भिक्षा दे मानवता सिखलाते धर्म अधर्म का भेद बता के धर्म अधर्म का भेद बता के धर्म ध्वजा निभ जाए चालो चलन सारे पालक सजन सुनेगा तन रूपी भूत
तीनों मन मारना बताते हैं हमें। तन रूपी भूभार हटा से दान करो जी भर के जन्म सफल हो जाए। और ग्रंथों का ऐसा कथन